फॉलोस गेन किए उस शो में आके यू you नो know? तो मुझे ये भी लग रहा था कि शायद अभिषेक भी जीत सकता है आ, अंकिता जी टॉप फाइव में थे मैं सरप्राइज था बट आप रिलेशन अभिषेक नहीं बोला है ना? आ, आप रिलेशन को इतना इतना इम्पोर्टेंट देते हो और सामने वाले ऐसा बोलते तो तब क्या लगता है आपको मुझे से लगता है ये इमेच्योरिटी है और यू नो you know, आप नए नए आप जब बनते हो कुछ तो एक होता है यार उसको लग रहा होगा कि उसको नहीं लगी होंगी मैं डिज़र्विंग एंड इट्स ओके किसी के बोलने ना बोलने से मैं नॉन डिजर्विंग तो नहीं होती और मुझे पता है कि उस प्लेटफॉर्म तक तो पहुंचने के लिए मैंने अपनी जर्नी कैसे यू नो पास किए तो आई थिंक बहुत इनिशियल स्टेज है अभी अभिषेक के करियर की भी एंड आई विश हिम ऑल द वेरी बेस्ट नहीं कहना चाहूँगी जैसी मैं हूँ ना अपने पति के लिए पॉजिटिव वैसे उसकी मम्मी भी है उसके लिए पॉजिटिव यू नो सो इट्स ओके ये चीज़ें होती रहती है उनको शायद विक्की को उन्होंने पहली बार रोते हुए देखा

लिखा है तो क्वीन जैसा पत्ते में खेलते हैं तो एक एक पिक करना है घर का व्यक्ति okay. आपको बताना है ठीक है चलो इंटरेस्टिंग ए इक्का कौन है आपके हिसाब से इक्का घर का इक्का घर का इक्का इक जो ऑन टॉप है फिर मैं खुद <laughs> मैं क्यों किसी को इक्का राजा रानी किंग तो मैं गुलाम में अभिषेक को देना चाहूंगी क्योंकि अभिषेक कुमार मेरे गुलाम बने थे <laughs> queen. Uh, तो क्वीन में देना चाहूंगी uh, खानजादी को मुझे लगता है वो डेफिनेटली क्वीन है अगर वो होती अगर वो सरवाइव करती तो वो डेफिनेट <laughs> मुनावर की जीत पे क्या लग रहा था आपको टॉप जब, अच्छा लग लग जब थे तब ऐसा लग रहा था कि मुनावर वन साइड विनर है ऐसा लग रहा था आपको सी मुनावर के फॉलोअर्स बहुत रहे हैं hmm. उनका प्यार लोगों के लिए बहुत ज्यादा है मतलब लोगों का प्यार उनके लिए बहुत ज्यादा है तो मुझे कहीं ना कहीं ये जब अभिषेक और मुन्ना खड़े थे तो